हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ये एग्ज़ाम आप लोग का 4 दिन कंडक्ट करवाया गया था 18, 21, 22, 23 अगस्त को, और इसकी आंसर की जारी हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी। आंसर की चेक करने की आज अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। आज के बाद आप लोग अपनी आंसर की को चेक नहीं कर पाएंगे। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपनी आंसर की चेक नहीं की है, तो आंसर की चेक करने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंसन होंगे, वहाँ से भी जा करके आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। अब आंसर की चेक होने के बाद आप लोग बोल रहे थे कि सर हर एक शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन रोंग है वो हमें बता दीजिए। तो इस शिफ्ट में आप लोगों को मैं जो भी है सारे शिफ्ट वाइज रोंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि किस शिफ्ट में कौन कौन से रोंग क्वेश्चन है जिन पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने की जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। एक ये एक पार्ट है स्कैम का एंटी के द्वारा, क्योंकि पहले से तुम इतना चार्ज लगाओ उसके बाद रोंग क्वेश्चन भी डालो, और एक तो कैंडिडेट वैसे ही परेशान है, एक तो सिलेक्शन नहीं होता बेचारे, 2-3 साल 4-4 साल प्रिपरेशन करते हैं, और फाइनेंशियल इशू रहते हैं बहुत सारे कैंडिडेट के साथ। उसके बाद आप इतना चार्ज लेते हो रोंग क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने का, और रोंग क्वेश्चन देता कौन है, आप ही रोंग क्वेश्चन देते हो। तो मेरी आप लोगों से सजेशन है कि 4-5 बंदे मिल के एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। और एक डाउट ये भी था आप लोगों का कि क्या सर अगर किसी क्वेश्चन पर एक कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन कर दिया है तो क्या उसके मार्क्स हर एक कैंडिडेट को मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जो रिवाइज आंसर की आती है ना, तो उसमें उस क्वेश्चन को करेक्ट किया जाता है कि इसका ये उत्तर सही है। तो उस जो भी जिस भी कैंडिडेट ने उसको अटैम्प्ट किया होगा और उसका वो सही होगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे। बेशक है कि उस पर आप लोगों का ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन कर दीजिए। मिल करके 5 कैंडिडेट हो तो 100-100 रुपये आप लोग कंट्री करके जमा करके 5 कैंडिडेट मिल के 500 रुपये हो जाएंगे आपके, और आप उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दीजिए। और आप लोग चाहो तो जो मैंने रोंग क्वेश्चन का ग्रुप बना रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, रोंग क्वेश्चन के जो ग्रुप है वहाँ पर डिस्कस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन रोंग है कि सही है और कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस शिफ्ट में कौन कौन से रोंग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे 18 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जेके का एक क्वेश्चन मुझे मिला है जो भेजा गया है किसी कैंडिडेट के द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे थे बैंकिंग रिलेटेड, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट लेकर के चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। इसकी क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 010 है इसमें, और ये 18 अगस्त की पहली शिफ्ट का जेके का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, तो 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में किसी भी कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन नहीं भेजा है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहोगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा वो वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट 21 अगस्त की पहली शिफ्ट, तो इसमें मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, जेके का कोई क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें इंग्लिश का है, 21 अगस्त की पहले शिफ्ट में इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 292 है, तो और ये मार्टिन लूथर किंग वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ पॉलिटिकल नोशन, हाँ वही है ये आप लोगों का। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका स्नैपशॉट भी आप लोग लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको चेक करके इसको ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर का कोई नहीं था। 21 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का किसी ने नहीं भेजा, जीके का किसी ने नहीं भेजा, तो इंग्लिश के जीके का भेजा एक क्वेश्चन, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, ये भी इस पर भी आप लोगों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन नहीं है। 22 अगस्त में देख लेते, 22 अगस्त में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग ये पैराग्राफ वाला देख लीजिएगा, इसको आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है। और ये आप लोगों का द ज्वाइंट मलेशिया इट गेन ओरिजिनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1957, पहला ही गलत है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ये आप लोगों का। उसके बाद एक क्वेश्चन है 45 वाला, इसकी क्वेश्चन आईडी लास्ट में 399 है, ये इंग्लिश वाला, इसको आप चैलेंज करिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसकी जो क्वेश्चन आईडी 386 है, इसको आप चैलेंज करिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, क्वेश्चन आईडी 377 है, इसको भी आप लोग चैलेंज करिएगा, ये इंग्लिश का है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये आप लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसको भी आप लोग चैलेंज करिएगा। उसके बाद चलते हैं 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, तो 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर चैलेंज करिएगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट रीजनिंग, अब इस इंग्लिश का देख लेते हैं। 22 अगस्त को जो इंग्लिश का एक क्वेश्चन ये है जो आप लोग का रॉन्ग होगा, इसको आप लोग चैलेंज करिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका स्नैपशॉट लेकर के।
उसके बाद कंप्यूटर का कुछ नहीं है। 23 अगस्त की पहली शिफ्ट का देख लेते हैं, रीजनिंग का है। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को चैलेंज करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आप लोग का रीजनिंग वाला 23 अगस्त का ही। नेक्स्ट है जीके का, कोई नहीं। हाँ, ये आप लोग का जीके का एक क्वेश्चन है 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का, इसको आप लोग चैलेंज करिएगा। और इंग्लिश का देख लेते हैं 23 अगस्त में, ये आप लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इसका स्नैपशॉट लेकर के चेक करिएगा, इसको आप लोगों को चैलेंज करना है। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिव, इसको भी आप लोग चैलेंज करिएगा। एक क्वेश्चन है आई फाइंड नो एक्सेप्शन दिस रूल ऑफ ग्रामर, ये भी आप लोग चैलेंज करिएगा। और एक क्वेश्चन है आप लोगों का 23, क्वेश्चन आई डी इसकी 364 लास्ट में, तो ये भी आप लोग चैलेंज करिएगा। और इसके आप लोगों के दो ऑप्शन करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन के। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आई डी 365 पर लास्ट में, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको आप लोग चैलेंज करिएगा। अब 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का ये वाला क्वेश्चन है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसकी लास्ट में आई डी 056, तो आप लोग इसको जरूर चैलेंज करिएगा, ये भी आप लोगों का रहूँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को सिमिलर टू लिंच वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आप जरूर चैलेंज करिएगा, ये भी आप लोगों का 100% गलत है। एक क्वेश्चन ये आप लोगों का इंग्लिश वाला क्वेश्चन नंबर 15, उन्नति स्कीम वाला, तो इसको भी आप लोग चैलेंज करिएगा, इसकी जो क्वेश्चन आईडी है 997 है, रीजनिंग कंप्यूटर। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो जो आप लोग को चैलेंज करने हैं। अब मैं आप लोगों को 22 अगस्त का कंपाइलेशन दे देता हूँ। ये 22 अगस्त के जो भी क्वेश्चन है रहोगे, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को चैलेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 2 है, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, ये आप लोगों का इसको चैलेंज करना है। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी क्वेश्चन आईडी है जो आपको चैलेंज करनी है 22 अगस्त की। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इस कैंडिडेट ने, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद ये, हाँ, सारे एक्सप्लेनेशन आप लोग इससे लगा सकते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, तो इसको आप लोग चैलेंज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, इसको आप लोग चैलेंज करिएगा, यहाँ पर प्रूफ भी दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, इसको भी आप लोग चैलेंज करिएगा, ये इसका प्रूफ दिया है इस कैंडिडेट ने, सब चीज़ समझाई भी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, इसको आप जो लोग चैलेंज करिएगा। और ये डाउटफुल वाला है। तो ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों को चैलेंज करने हैं। आई होप आप लोगों को मैंने समझ जा पाया होंगे कि जो जो क्वेश्चन आप लोगों को चैलेंज करने हैं, चैलेंज जरूर करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप लोगों को कम से कम 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 सही हो गए तो 8 मार्क्स मिलेंगे। 4-5 कैंडिडेट मिलकर आप लोग एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये PDF कहाँ मिलेगी आप लोगों को? ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग इस PDF को डाउनलोड करिए और चेक करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है किसी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, तो आप लोग कमेंट कर देकर उसे करेक्ट कर देना, और लगता है कि रॉन्ग है तो बता देना कि ये क्वेश्चन सर इस दिन इस शिफ्ट में रॉन्ग है, जिससे अदर कैंडिडेट को फायदा हो जाए। जरूर कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन इस दिन इस शिफ्ट का रॉन्ग क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाईस्टर चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही NTA की ओर से कोई अपडेट आएगी, उसकी जानकारी आप लोगों को हाईस्टर चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।